Ah, io la do. का स्वागत करता हूं। राजेंद्र फिल्म्स की ये पहली फिल्म है मौलाना आज़ाद, जो 18 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। आज के इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए हमारे साथ हैं जश्न अग्निहोत्री, जो बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म की मशहूर अदाकारा हैं। मैं जश्न को इनवाइट करता हूं कि वो इस प्रोग्राम का संचालन करें। थैंक यू। नाइस इंट्रोडक्शन आपने मुझे, बिल्कुल व्हाट यू कॉल इट, आई एम रियली नॉस्टैल्जिक राइट नाउ कि मैं आज एक हिस्टोरिकल फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को कंपेयर कर रही हूं, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म भी एक हिस्टोरिकल फिल्म थी। इंदू सरकार से मेरा डेब्यू हुआ था और आज मैं यहाँ पे मौलाना आज़ाद, जो कि एक हिस्टोरिकल बायोपिक है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल फिल्म्स, आई सो लव देम। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम एसोसिएटेड एज अ कॉम्पियर फॉर दिस ट्रेलर लॉन्च। और यही कहना चाहूँगी कि ये एक हिस्टोरिकल बायोपिक है, और आलोक जी, ऐसा लगता है कि जैसे बायोपिक्स का सीजन सा आ गया है। जनवरी में ही कुछ 6 बायोपिक्स रिलीज हो रही हैं बैक टू बैक, एंड दे आर ऑन वेरियस हिस्टोरिकल फिगर्स, एंड ऑफ कोर्स दिस वन इज ऑन अ ह्यूज हिस्टोरिकल फिगर ऑल्सो, द ग्रेट इंडियन हीरो ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, और जिन्हें हम आज़ादी का घायल हीरो भी कहते हैं। तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द मैन एंड द फिल्म मौलाना आज़ाद इन अ बिट, लेकिन एक बार ही उससे पहले एज अ गुड होस्ट आई थिंक आई शुड गिव यू ऑल अ वार्म वेलकम। आप सभी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम टुडे एंड कमिंग हियर फॉर दिस मोस्ट स्पेशल ट्रेलर लॉन्च। अब ये स्पेशल क्यों है, और बहुत ज़्यादा स्पेशल है स्पेशली फॉर माई मीडिया फ्रेंड्स, फॉर द जर्नलिस्ट्स हियर, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बारी फिर से, माय नेम इज़ जश्न अग्निहोत्री एंड इट्स अ ह्यूज प्लेजर फॉर मी टू वेलकम यू ऑल टू विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू द ट्रेलर लॉन्च ऑफ राजेंद्र फिल्म्स प्रेजेंट्स वो जो था एक मसीहा मौलाना आज़ाद। जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बार। Few credits, the dialogues, story, screenplay, lyrics, everything is by Dr. Rajendra Gupta Sanjay. The film is also directed by Dr. Rajendra Gupta Sanjay and another director, Mr. Sanjay Singh Negi. Or as a matter of fact, unka birthday hai aaj, to unke liye ek bar zordaar taaliyan Sanjay Singh Negi ji ke liye. One important credit that I cannot miss is Mrs. Bharti Vyas, जिनके कराची की गलियों में वो रहती थी, तभी उनका खेलना पड़े होना हुआ और पार्टीशन होने के बाद वो इंडिया में सेटल हुई। और जी, 10 साल की उम्र में उन्होंने पार्टीशन देखा है ना आलोक जी। ओके ओके, नॉट हिज फॉल्ट बेसिकली, थोड़ा सा कभी हो जाता है ऊपर नीचे। तो 10 साल की उम्र में उन्होंने पार्टीशन देखा और वो कराची में बड़ी हुई और वहाँ से फिर इंडिया में शिफ्ट हुई, और वो बिल्कुल ही पार्टीशन के अगेंस्ट थी। वो आज भी कराची की गलियों को मिस करती हैं और उनकी बहुत ही इच्छा है कि वो जाएं कराची वापस, वहाँ पे उनके जहन में है ये बात कि मैं जाना चाहती हूँ कराची। उन्हें बहुत लगाव है कराची की गलियों से आज भी, लेकिन आई एम सॉरी बट बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ इज़ नॉट परमिटिंग हर, बट गॉड ब्लेस यू, आपकी विश आई प्रे की ज़रूर पूरी हो, यू विल बी फाइन एंड यू विल सून गेट टू विजिट कराची। तो इनके दिल में दोनों देशों के लिए बहुत लगाव है, एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो कहीं ना कहीं And here comes the poster of Maulana Azad for you. Huge round of applause, ladies and gentlemen.
as I see on the poster, Mr. Linesh Panse is in his getup as Maulana Azad. तमिल ने पहुंचा तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुझे देखा तो कह दिया कि नहीं भाई, आप जिन्ना के लिए तो सुटेबल नहीं है। तो मैं बोला ठीक है। तो ऐसे ही 5-10 मिनट बैठा उनसे बातचीत कर रहा था, तब तक वो उनकी किताबें देख रहे थे और मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे कि आपने क्या किया है, क्या करते हो। और 10 मिनट किताबें खंगाली और भारती जी के साथ सलाह मशवरा किया और फिर मुझे कहा गया कि भाई आप तो, आपसे बात करके मालूम पड़ गया कि आपने क्या किया है और क्या कर सकते हो, और आपका लुक मौलाना आज़ाद के लिए फिट बैठा है, तो हम आपको मौलाना आज़ाद के लिए ले रहे हैं। तो जिन्हा के लिए आया था और मौलाना आज़ाद बन के वहाँ से निकला। थैंक्स अ लॉट सर उसके लिए। लुक तो बहुत थोड़ा गेटअप के साथ सिमिलर था, पर उनके जो पोस्चर है उसके ऊपर काफ़ी वर्क करना पड़ा, और दूसरा उर्दू के ऊपर, जो कि मौलाना आज़ाद खुद बहुत अच्छे उर्दू के जानकार थे, तो इतनी उर्दू तो मेरी अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए सर के साथ मैंने बहुत सारे वर्कशॉप लिए रीडिंग के, और उसके बाद ये रोल कर पाया। I'm sure, but it was not so difficult. You being a gold medalist in the Bachelor of Performing Arts in Drama, my, what a degree. So, had to be not as difficult or a Herculean task for you. Task to kya hai ki koi bhi biopic karna aise bhi aur bhi itne mahan insaan ke saath karna, to thoda dar to tha hi man mein ki barabar kar paunga ki nahi. Fir bhi kya wo थिएटर की वजह से कैरेक्टर स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने की बहुत अच्छी आदत है, तो इजीली हो पाया। नाइस, द स्विचिंग ऑफ एंड ऑन इज लाइक अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज़ व्हेन आई एक्ट, एक बार स्विच ऑन हो गया तो इफ इट्स एन इमोशनल सीन, इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। रोर डायलॉग बोला था कि अगर कुतुब मीनार की ऊंचाई से खड़ा होकर भी कोई कह दे कि तुम्हें स्वराज मिल सकता है, बशर्ते तुम हिंदू मुस्लिम एकता को त्याग दो, तो उन्होंने कहा था कि मैं स्वराज त्याग सकता हूं लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं, क्योंकि स्वराज हमें कभी भी मिल सकता है लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता अगर चली निकल गई हाथ से तो कभी वापस नहीं मिल पाएगी। तो ये डायलॉग उनका बहुत अच्छा लगा था मुझे। वंडरफुल। एंड भारत का दुलारा अबुल कलाम आजाद था, भारत का दुलारा गांधी का वो ध्याय नहात, नेहरू का था प्यारा, गांधी का वो ध्याय नहात, नेहरू का था प्यारा, अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा। क्या बात है, इलाकों में भी माहौल में भी, क्योंकि तो हमने कभी स्कूल में पढ़ते हुए इधर उधर खेलते हुए कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नाम हमने कभी देखा भी नहीं था, सिर्फ फ्रेंडशिप दोस्ती बस इतना ही था, और हम एक दूसरे के घर में आते जाते थे बेरोक टोक बेधड़क, ऐसे जाते थे हम। अब तो खैर ज़माना बदल गया है, हिंदुस्तानी हैं और कुछ नहीं है। तो ये सोचकर मैंने मौलाना आज़ाद, जिनके बारे में मैंने बचपन से ही सुना था अपने पिताजी से, तो मुझे ये करेक्टर, ये व्यक्तित्व तो मुझे इतना ज़्यादा मोहक लगा कि ये आदमी सबसे अलग है, सबसे जुदा है, सबके स्वर अलग हैं और इसके अकेले का स्वर भी इतना बुलंद है कि ये सबके ऊपर भारी पड़ता है, और इसलिए मुझे इनके चरित्र के ऊपर पढ़ने के लिए प्रेरणा मिली कि मैं पढ़ूं, देखूं ये व्यक्तित्व तो क्या है, क्यों लोग इसकी तारीफ करते हैं, क्यों पिताजी इनके बारे में इतनी तारीफ करते हैं और इनके फ़ैन हैं। पढ़ने के बाद मुझे मालूम होगा ये शख्सियत तो बिल्कुल अनूठा है, और इनकी जो गाथा है, इनकी जो कहानी है, वो और भी ज़्यादा अनूठी है, क्योंकि ये व्यक्ति जिनके पूर्वज मुगल, खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे महान शख्सियत का किरदार करने का मौका मिला,
इतने महान थे, फिल्म के बाद मुझे और ज़्यादा महान की महानता का पता चला है। जो हमारे दिग्दर्शक और राइटर्स फिल्म के जो है, उन्होंने इतना डिटेल में इनके ऊपर वर्क किया था। और ये फिल्म मुझे लगता है कि समझ रहा हूँ कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला पर्दे पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही कम पढ़ाया गया है स्कूल में जब हम थे, कॉलेज में तो शायद। और इसके जो राइटर और डायरेक्टर जो हैं सर संजय राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने इतना डिटेल में वर्क किया इस फिल्म के बनाने से पहले, तो इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इस महान इंसान के बारे में पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए, जो नहीं पता चल पाया आज तक। और ये फिल्म बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म हर एक स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बताई जानी चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि एक तो हमारे पहले एक क्रांतिकारी तो है ही, पर एक हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कितने पढ़ाई में उन्होंने जो इतनी तकलीफ मेहनत करके इतनी सारी लैंग्वेज सब कुछ सीखा, तो ये हर एक इंसान को और हर एक बच्चे को पढ़ा दिखाना चाहिए बचपन से ही कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैसे बनी। आप लोगों ने क्या रिसर्च किया इसके ऊपर, क्योंकि एक बायोपिक जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता भी है लोगों को, तो आपने उसको कैसे दिखाया फिल्म में और क्या प्रिपरेशन किया बताया? ये तो बहुत कठिन काम था, क्योंकि बायोपिक पिक्चर को बनाना आसान काम नहीं है। तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया, कई किताबें देखी, कई जगहों पर गए, लाइब्रेरी में गए, कहाँ कहाँ घूमते घूमते, कम से कम 4 साल तो लगा हमको रिसर्च करके इस चीज़ को तैयार करने का। 4 साल बहुत बड़ा समय होता है, और क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो बिल्कुल अनूठा है, यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में भी अनूठा है। इनके जैसा कोई भी राजनीति के अभी तक कोई भी नेता आज तक नहीं देखता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। उनके ऊपर काम करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा कठिन काम था, और इसलिए मुझे बड़ी सावधानी के साथ कई कई जो विद्वान लोग हैं जो उनके बारे में जानते थे, जिन्होंने उनके ऊपर लिखा है, उनके लेखों को, उनकी किताबों को मैंने पढ़ा, और एक एक चीज़ को मैंने नोट किया कि क्या क्या चीज़ देने लायक है और कहते थे। मतलब हमारी फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ हमको छूट सकती है दर्शक के लिए और जो देखने वाले लोग हैं, और यहाँ तक के इतिहास को भी हमको बिल्कुल इंटैक्ट रख के आगे बढ़ना था कि कहीं कोई ऐसी भी गलती ना हो जाए, इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ हमने इसको रिसर्च करके हर तरह के रूप में तैयार किया। कठिन काम था, बट आज मुझे लगता है कि हमने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, और ये देश के बच्चों के लिए, आज के जनरेशन के लिए एक शिक्षाप्रद फिल्म साबित हुई। तो ये बायोपिक फिल्म है, तो आपने जैसे बताया कि आपने पूरा सर्च करके किया, लेकिन उसमें कोई ऐसे सीन जिसे आपने सोचा है लेकिन आपने हटाया हो कि कहीं उसमें भी बात ना हो जाए? मौलाना आज़ाद तो ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे कि इनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, वो बिल्कुल ही सीधे साधे आदमी थे, सच को सच मानते थे, सही को सही मानते थे, गलत को गलत मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी को भी, उनका अगर कोई प्रपोजल होता था कोई, वो बोलते थे कि गांधी जी अगर इस बात को हम ऐसे प्रेजेंट ना करके ऐसे प्रेजेंट करें तो शायद इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और ये बात बहुत बड़ी थी उस ज़माने में। गांधी जी के सामने किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाए कि गांधी जी आप ऐसे नहीं, ऐसा कीजिए तो ज़्यादा रिपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा इनाम मिलेगा, कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। तो इतने स्पष्ट वक्ता थे, तो ऐसे स्पष्ट वक्ता के बारे में कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती, कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। फिर भी हमने बड़ी सावधानी बरती है कि कहीं कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य ना निकल जाए, कोई ऐसा डायलॉग के रूप में, ताकि आगे चलते तो उसमें कोई कठिनाई पैदा हो जाए। हमने इसका बहुत ही सावधानी से ध्यान रखा। किरदार को आपको निभाना था, उन्हें भारत रत्न से भी अवार्ड नवाजा गया था, तो आपको इस कैरेक्टर को निभाना था, आपके मन में कोई डर था, क्योंकि एक ऐसे सख्ती कैरेक्टर को आपको निभाना था कि आपकी कोई गलती ना हो जाए, कोई छूट ना हो जाए? हाँ, सबसे पहले डर तो ऐसी बायोपिक और इतने महान इंसान का तो किरदार निभाना, जब भी मैं इस किरदार के बारे में सोचता था मुझे रात को नींद नहीं आती थी,
फिर मैंने देखा उनको पढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पे और उस पर देखा तो सिर्फ उनकी आवाज़ ही रिकॉर्डेड है, बाकी कुछ है नहीं। तो उनकी किताबों में उनके जेस्चर पोस्चर है, वो कैसे खड़े रहते थे, कैसे उनका बैठने का तरीका था, तो वही मिलता है। तो उसको मैंने सब रिसर्च कर करके अपने एक्टिंग में उसको मैंने किया। फिल्म तो कैसे मिली, मैंने तो मैं बोलता हूँ कि ये फिल्म जब बना रहे थे तो मुझे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर एक फिल्म बन रही है, तो उसमें एक मोहम्मद अली जिन्हा का कैरेक्टर है, तो सीन बहुत ही कम है पर अच्छा है। तो मुझे तो जिन्हा का कैरेक्टर ऐसे भी दो सीन हो तो भी वो क्या है कि वो उनका ये है व्यक्तित्व, तो मैं बोला हाँ चलो जाता हूँ, तो इनसे मिलने आया सर। तो उन्होंने मुझे देखा तो देख कर कहा कि नहीं आप जिन्हा के लिए फिट नहीं, झगड़ा ठीक है। क्योंकि सर से बातचीत होती रही 10-15 मिनट, उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, मैंने क्या किया है क्या उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली और वो बुक खंगालते रहे। फिर थोड़ी देर के 15 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि आप जिन्हा के लिए तो नहीं है लेकिन हम आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे 4-5 ऑडिशंस लिए, फिर उन्होंने वर्कशॉप लिए और फिर मुझे रोल। मैम बेसिकली देखा जाए तो हमारे लिए मुंबई पिछले कई सालों से काम कर रहा है और चैलेंज तो हर जगह होता है, लेकिन ये बायोपिक थी और मौलाना आज़ाद के बारे में मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी और उनका साथ रहा, मुझे लगा उनकी बात भी करते हैं। बन घर पे जाने के बाद फोन पे इंग्लिश में नहीं बता कि क्या होता है, नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल है हमारा इस तरीके से क्या करें क्या है, तो दिक्कतें भी काफ़ी आई क्योंकि वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए कि उस समय का जो पीरियड है और आज के टाइम पे हमें वो सब चीज़ को मैनेज नहीं करना, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की है कि कैसे मैनेज करें क्योंकि उस समय की जो प्रॉपर्टी उस समय का जो कॉस्ट्यूम्स है उस समय का जो सारा माहौल था उसको मेंटेन करने का दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी तो बाकी ट्रेलर के हिसाब से आपको लगा होगा कि जो भी है लैंग्वेज में तो ये था कि सर जो हैं उन्होंने उनको उर्दू अच्छे से आती है, उन्होंने पूरा उर्दू पे पढ़ा भी है और उन्होंने लिखी हुई है, तो वो एक एक चीज़ को वो मेंटेन करके चल रहे थे। साथ में इन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है, न्यूज वीक जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, तो न्यूज वीक में उनका वर्कशॉप चालू है। तो लैंग्वेज के लिए मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा क्योंकि लैंग्वेज के लिए वो एक एक चीज़ को देख रहे थे। फिर जो भी हमें लगा कि कहीं ऊपर नीचे है तो हमारी डबिंग जब हुई, हम पोस्ट पर आए तो पोस्ट के दौरान हमने उसको चीज़ को जो भी करेक्ट करना था वो करेक्ट करके फिर आज मतलब वो। उर्दू का एक ऐसा चीज़ है कि उर्दू अगर आप बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उसको अलग तरीके से बोलना पड़ता है, जो मुझे भी मैं हकीकत बताऊँ तो मुझे भी नहीं आती कि कैसे कैसे बोला जाता है, लेकिन वो थे उन्होंने एक एक चीज़ को पकड़ के रखा था कि किस शब्द को कैसे बोलना है, किस शब्द को कहाँ से उठाना है, गले से बोलना है कि पेट से बोलना है कि जीभ से बोलना है, ये सारी चीज़ें उनको पता थी, तो उन्होंने सारी चीज़ पर हर जगह पर वो हेल्प की। उनको लोकेशन मैम हमने एक तो मुंबई में की है, फिर कलकत्ता में, दिल्ली में हमने शूट किया, बाकी ये था कि दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता। बायोपिक फिल्म में रोमान का स्थान नहीं होता है, म्यूजिक का भी स्थान नहीं होता है, लेकिन हमने इसमें म्यूजिक डाला है और म्यूजिक भी अच्छा बना है और लोगों को पसंद आएगा। इसको लीड एक्टर दर्शन कहार ने बहुत ही बढ़िया ढंग से व्यवस्थित किया है और गाने जो भी हैं उसके वर्डिंग्स आपको अच्छे लगेंगे, इतने अच्छे दर्द बनाई है उन्होंने कि आप लोगों को फिल्म देखने के बाद लगेगा कि ये म्यूजिक वाकई म्यूजिक है और आज की म्यूजिक को ध्यान में रखते हुए, कल की म्यूजिक को ध्यान में रखते हुए इसका समन्वय किया गया इस फिल्म में। वो गीत आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई इस फिल्म में म्यूजिक का स्थान ना होते हुए म्यूजिक ने अपना स्थान बना लिया है। राजेंद्र जी इस वीक या इस बायोपिक में अगर बायोपिक की बात करें तो इसमें वल्लभ भाई पटेल जी का भी जिक्र है या है, उनका भी किरदार इसमें दिखाया गया? जी हाँ बिल्कुल, पार्टीशन के अगेंस्ट ये
एक्चुअली जो कांग्रेस थी वो एक आदमी की कांग्रेस नहीं थी, कार्यकारिणी की कांग्रेस थी, और कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य थे सबको हमने इसमें सब रखा हुआ है, चाहे पटेल हो, राजा जी हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, सीता रमैया हो साउथ के, चाहे मोतीलाल जी हो, या पीसी घोष हो, ये जितने बंगाल के महारानी के किसलानी, सब लोगों का नाम इसमें लिया, सब ने रोल किया हुआ है इसमें, इतने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 12-13-14 कैरेक्टर्स हैं इसमें, उन सबको हमने रखा है, और ये सबके सब मानिएगा कि हीरो तो मेन सुपर हीरो ये हैं, बाकी 10 हीरो वो लोग हैं, वो वोटिंग कमेटी बेसिकली ये फोटो है, इसमें बैकग्राउंड में हमने तिरंगा रखा है, तिरंगा उस जमाने में देखिए उस जमाने में तिरंगा का रंग कुछ और ही था, चरखा था, बाद में उसे अशोक चक्र आया, ये आज़ादी के बाद की बात है, उसके पहले चरखा था, तो हमने तो लिया है क्योंकि मौलाना जी आज़ादी के बाद तक थे, और उस वक्त जो तिरंगा था उसमें अशोक चक्र था, उस अशोक चक्र का इसमें जिक्र किया गया।